मैं सब्जेक्टिव के डाउट डिस्कस करूं, इसके लिए आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगा। तो मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, आप लोग इसको मतलब देख लो। और क्या क्या रहा एक्चुअल में, क्वेश्चन नंबर 22 एक्चुअल में, कि देखो रिएक्शन क्या गिवन है, मतलब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। सब्जेक्टिव ये हार्ड कॉपी जिसके पास होगा उसी उसको ही दिखाई देगा ये, और सिर्फ जेई वाले बच्चों का, मेडिकल का इसमें नहीं है। मैं मेडिकल का अगर किसी ने सॉल्व किया तो मेरे को बता दो, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। वो तो कह क्या रहा है कि टू सब्सटेंस ए एंड बी फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर टेकन इन सच दैट ए इक्वल टू 4b, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंस विल बी इक्वल। इसमें क्या दिक्कत है बेटा, देखो ए और मान लो बी, इसको 4x मान लो और इसको x मान लो। अरे यही तो बोल रहा है कि a जो है वो b का 4 टाइम है, तो b जितना होगा a उसका 4 टाइम है, ठीक है। और देखो a का हाफ लाइफ कितना गिवन है, 5 मिनट, तो 5 मिनट में ये क्या हो जाएगा 2x। अरे फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, फिर से 5 मिनट में क्या हो जाएगा x, और फिर से 5 मिनट में क्या हो जाएगा x/2, मतलब ये आ गया। और B का जो हाफ लाइफ है वो 15 मिनट दिया है, तो 15 मिनट में x/2 होगा, तो देखो दोनों सेम हो गए। तो कितने टाइम पूछा है कि कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल, दैट इज द 15 मिनट, बस। तो 15 मिनट में दोनों का कंसेंट्रेशन सेम होगा, हो गया, यही इसका आंसर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक रिएक्शन गिवन है NO प्लस Cl2 से बनना है 2NOCl। तो क्या है क्या आपके पास, ये क्या रिएक्शन क्या गिवन है, देखो 2NO प्लस Cl2, इससे क्या बनता है NOCl, इज अ सेकेंड ऑर्डर इन NO एंड फर्स्ट ऑर्डर इन Cl2। अच्छा, इन वॉल्यूम ऑफ 2 DMQ, मतलब 2 लीटर, 5 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 2 मोल Cl2 वर ब्रॉट टुगेदर इनिशियल लेट अस दिस, कैलकुलेट द रेट व्हेन हाफ ऑफ क्लोरीन वाज रिएक्टेड। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो रेट इक्वल टू क्या होता है के एनओ का स्क्वायर एंड क्लोरीन। तो देखो इनिशियल रेट क्या गिवन है, पहले आराम से समझ लेते हैं। इनिशियल रेट गिवन है 2.4 × 10⁻³। रेट कांस्टेंट को निकालना है, ठीक है, रेट कांस्टेंट को निकालना है। ये स्टार्टिंग में गिवन है 5, तो ये 5/2 का स्क्वायर होगा, और ये कंसंट्रेशन होता है 5 मोल गिवन है, वॉल्यूम 2 लीटर गिवन है, तो 5/2 का स्क्वायर, और इसका मोल 2 गिवन है, तो 2/2 का पावर 1, ठीक है। एनओ का ऑर्डर 2 दिया है और Cl2 का ऑर्डर 1 दिया है, तो इससे के का जो वैल्यू आएगा ये तो 1 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, तो 4/25 × 2.4 × 10⁻³, ये के का वैल्यू आया, ठीक है। अब देखो कह क्या रहा है, देखो ये t=0 पे इसके 5 मोल है और इसके 2 मोल है, ठीक है, ये दिया हुआ है इसके 5 मोल और हाफ ऑफ द क्लोरीन वाज रिएक्टेड। तो भाई टाइम हमको नहीं पता क्या है, आधा रिएक्शन कर गया, तो 2 - 1 करेंगे, अरे तभी तो हाफ बचेगा ना ये। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा तो यहाँ कोएफिशिएंट 2, तो ये 2 मोल कंज्यूम होगा, तो हो जाएगा 5 - 2, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो फिर से रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ये रेट कॉन्स्टेंट और NO का स्क्वायर एंड Cl2 की पावर 1। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, 4/25 2.5 × 10⁻³। ये K का वैल्यू, NO की जगह 3/2, अरे वॉल्यूम भी तो 2 लीटर लिखना होगा, और ये 1/2, तो वैसे ये आपके पास कट जाएगा सारा ये, इसके आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसके आगे तो यही रहेगा, ये 9 हो जाएगा, और वैसे ये हो जाएगा 50, और ये होगा 2.5 × 10⁻³, तो वैसे ये कटेगा
तो ये 20 हो सकता है, और इसको आप कर सकते हो 4.5 इंटू 10^-4, ठीक है, ये इसका रेट होगा। बस हो गया, ये इसका आंसर है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। फोर्टी नाइन और फिफ्टी, तो दो क्वेश्चन हमें करने हैं, 49 और 50, ठीक है। ये तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो 49 क्या कह रहा है कि रिएक्शन गिवन है ए से बी, बी से सी, सी से डी, और ठीक है वो, इफ एन नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर फॉलोस, कैन बी फाइंड द नेट रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन एस इजी एज द लास्ट केस। जो लास्ट केस तो अच्छा ये था इसमें, तो देखो ऐसे रिएक्शंस में क्योंकि सीरीज में है तो इनको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और ऐसे केस में नॉर्मली जो सबसे स्लो स्टेप होता है वैसे वही रेट कॉन्स्टेंट कहलाता है, पर फिर भी इसमें दिक्कतें होती है। फिर बोल रहा है बी वाले पार्ट में, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ इनिशियल रेट ऑफ ए नॉट इज ए। तो देखो ये जो फॉर्मूला है सीरीज वाला, ए से बी जाने वाला और बी से सी, ये डेरिवेशन पूछ रहा है। इसका वैल्यू तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको बुकलेट में दिया होगा एक्चुअल में, तो ये जो बुकलेट, ये जो वैल्यू जो है एक्चुअल में, ये जो होता है ये तो आपके बुकलेट में दिया हुआ है फॉर्मूला एक्चुअल में। इसका मैंने कहा था कि शायद आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया होगा, पर इसमें देखो फॉर्मूला, देखो ए का तो बहुत सिंपल था, ए का जो वैल्यू था मतलब ए का, तो वो तो मेरे हिसाब से वो ए नॉट था। यहाँ पे अगर के वन लेते हैं और के टू, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है, तो ई टू दी पावर माइनस के वन इंटू टी रहता है। अगर आप बी का वैल्यू लेते हो तो बी को मैंने कहा था आप सोल्यूशन पढ़ लेना, आपके बुकलेट में दिया हुआ, तो ये इसका आंसर था एक्चुअल में, आपके बुकलेट में दिया हुआ ये के टू माइनस के वन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो भी आपको नहीं पता होगा उसका यूज करके इसको सॉल्व किया जाता है, तो ये बी का कंसेंट्रेशन होगा। और अगर आप सी के लिए सॉल्व करोगे तो सी का जो वैल्यू आता है ये आपके बुकलेट में दिया हुआ है, ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन, और फिर ब्रैकेट में आपके पास ये बहुत ही बड़ा नंबर एक्चुअल में है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये हो जाएगा के टू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस के वन टी, और माइनस के वन वन माइनस ई टू दी पावर माइनस के टू टी। मुझको भी याद नहीं क्योंकि इसका कभी यूज नहीं पड़ता, तो ये सी के वैल्यू है, इसका डेरिवेशन आपके बुकलेट में दिया, आप उसको देख लेना एक्चुअल में। और उसमें बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है जो आपको सॉल्व करना नहीं आता है अभी, तो वो चीजें आपको मैथ्स में आगे करवाया जाएगा। देखो मैथ्स में आपको डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको एक पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में होता है, तो इसको सॉल्व करना आपको वहीं पे बताया जाएगा। बस हो गया, इसका सोल्यूशन आपको पीछे दिया बुकलेट में, आप देख लेना ये। फिर इसमें एक आपके पास क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 50, ये एक्चुअल में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो कहना ये चाह रहा है कि ए से जा रहा है बी और बी से आ रहा है ए, ठीक है, ये रिएक्शन है। के वन का जो वैल्यू है मतलब ये जो के वन है ये गिवन है 10^-2 सेकेंड इनवर्स, और बी किलो मतलब बी इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे बी का कंसेंट्रेशन बाय ए का कंसेंट्रेशन क्या गिवन है, मतलब दोनों का रेशियो गिवन है। ये 4 दे रखा है और ए नॉट की वैल्यू स्टार्टिंग में मतलब ये वैल्यू गिवन है 0.01, और ये आपके पास 0 है, ठीक है। तो अब देखो है क्या एक्चुअल में, इक्विलिब्रियम पे एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या होगा,
इक्विलिब्रियम पे एक्चुअल में ये होना चाहिए 0.025 और ये होना चाहिए आप नहीं ये 0.0 एक्चुअल में 0.0 है ना, ये होना चाहिए 0.002 और ये होना चाहिए 0.008, तभी इनका रेशियो 4 आएगा, तभी इसका रेशियो आपके पास 4 आएगा एक्चुअल में। और हम लोगों को चाहिए क्या कि व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 30 सेकेंड। अच्छा, और इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट सेम होता है, तो K1 इंटू ए जो होता है वो K2 इंटू बी के इक्वल होगा, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए, K1 गिवन है 10^-2 और ये 0.002 और K2 हमको नहीं पता है और ये 0.008, तो यहां से जो K2 जो होना चाहिए तो ये आपका होना चाहिए 10^-2/4, मतलब ये K2 की वैल्यू होनी चाहिए। और टाइम अगर 30 सेकेंड है तो फिर बताना है कि कंसेंट्रेशन ऑफ बी कितना होगा एक्चुअल में। अच्छा, इसको 0.01-x कर लेते हैं और x बनेगा यहाँ पे, और यहां से पर इसमें एक मिनट रुको, इसमें शायद एक फॉर्मूला बनेगा मेरे हिसाब से, शायद इसमें एक फॉर्मूला होता है मुझे वो, क्योंकि इसमें के का वैल्यू को प्रॉब्लम आएगा एक्चुअल में। रिएक्शन को रिवर्स करके फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखना पड़ेगा, रुको मैं एक मिनट बता रहा हूँ, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, मुझे एक फॉर्मूला इसका पहले पता था इक्विलिब्रियम के केस में, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन का इसका एक फॉर्मूला रहता है एक्चुअल में, क्योंकि ये इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे के का वैल्यू डिफाइंड नहीं है एक्चुअल में, सर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कम है तो आई थिंक सी टाइम कम है तो के की तो वैल्यू नहीं आ पाएगी, नहीं बेटा आएगा, मैं आपको बताना चाह रही आएगा एक्चुअल में, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, मेरे पास एक्चुअल में है एक, मैं एक स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भी भेज देता हूँ, देखो पहले इसको देख लो, एक्चुअल में मेरे पास ये एक लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैं आपको भेज देता हूँ, आप इसको देखना चाहो देख सकते हो ये, तो ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला है मेरे पास, एक मिनट रुको, एक्चुअल में मेरे पास एक बुक था, मतलब बुक है भी, मतलब केमिकल काइनेटिक्स का, तो उसमें इस पे दिया हुआ था फॉर्मूला, तो मुझे मतलब याद नहीं था कि आपको बुकलेट में भी ये दिया हुआ है इस पे क्वेश्चन, तो मैं आपको एक फॉर्मूला आपको भेज रहा हूँ, इसका डेरिवेशन भी आपको देखो है इसमें, मतलब कि कौन सा बैच है, हाँ
तो देखो आपके बैच में मैंने अभी एक फॉर्मूला भेजा है, सब लोग देखो अभी इसको। तो ये एक चल में डेरिवेशन है इक्विलिब्रियम वाले केस का। देखो मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला भेजा है, तो वो इक्विलिब्रियम वाले को सॉल्व किया है। एक्स इक्विलिब्रियम देखो कोफिशिएंट दिया है, इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट क्या होता है, जीरो होता है। देखो आप डेरिवेशन देखो, तो वो जो फॉर्मूला जो दिया मेरे हिसाब से इसका आंसर इसी के अकॉर्डिंग आएगा। देखो एक्स का जो वैल्यू गिवन है, मतलब एक्स का मतलब कि जो कंज्यूम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये यही फॉर्मूला एक्स जो कंज्यूम हो रहा है। तो ये आपके पास इसमें ए क्या है, ए इसमें इनिशियल वैल्यू, तो ये क्या है के एफ इंटू ए, डेरिवेशन उसमें किया हुआ है ये पूरा, क्योंकि इन सब में कैलकुलस बहुत यूज होता है, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं दिया था। और ये होगा के एफ प्लस के बी, और ये है 1 - e to the power माइनस टाइम के एफ प्लस के बी इंटू टी, मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका देखो यूज करते हैं। तो के एफ है 10 to the power -2, और ए कितना दिया था स्टार्टिंग में, 0.01 ही दिया था, मतलब ए भी शायद यही दिया था इस क्वेश्चन में। एक मिनट, अच्छा क्वेश्चन ये है, तो ए भी यही दिया है और के भी यही दिया है स्टार्टिंग का के एफ, और नीचे दोनों का सम, तो मैंने के बी भी निकाले दिया था। तो के बी क्या होगा, ये हो जाएगा अब 0.25 × 10⁻²। तो दोनों का सम 1.25 × 10⁻², अरे दोनों का सम, और ये होगा 1 - e to the power - time, फिर से दोनों का सम, तो होगा 1.25 × 10⁻², और टाइम दिया 30 सेकेंड। तो ये एक चल में इसका आंसर होना चाहिए। एक बार और कर लेते हैं इसको भी, एक्स तो पूछा बी का वैल्यू ना, हाँ, तो ये इसमें से कट जाएगा, तो ये 0.01/1.25, और ये 1 - ये होगा e to the power -2 time, तो कितना होगा 30 × ये, तो 40 हो जाएगा ये, तो बल्कि ये 0.04 होगा ये। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इसके टर्म में देखिए कुछ और दिया है। एक्चुअली ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये सबका यूज नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बताया ही नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा इसमें वैल्यू निकाल के बताया ना आंसर है। अच्छा तो इसको तो देखो सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, मतलब देखो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से सॉल्व करने पे आंसर वो आना चाहिए। तो ये 0.01/1.25, ये 1 - और ये e to the power, नहीं ये शायद 1.25 × 30, ये शायद 0.4 भी नहीं होगा, कितना होगा ये, एक मिनट अब मैं कर ही लेता, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। तो 1.25 × 30, ये 37.5 है, मतलब कि 0.375 है ये, तो ये आपके पास क्या होगा 0.375। तो एक मिनट, तो e to the power 0.375, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा 0.01/1.25, और ये होगा 1 - 1/1.45 एक्चुअल में। तो अब करते हैं, तो 1 / 1.45 माइनस करेंगे, मतलब 1 में से माइनस हो रहा है, तो ये 0.01/1.25, इसको सॉल्व करने पे आपके पास ये आ रहा है 0.31। तो इसको डिवाइड करते 1.25 से, ठीक एकदम सही आ रहा है, एकदम सही। तो इसको डिवाइड करने पे आपके पास ये 0.00, आपके पास 2.5 आ रहा है, पीछे आंसर यही दिया 2.5 × 10⁻³। और मुझे ये कहना है कि ये देखो जो फॉर्मूला दिया आप उसको याद कर लो, डेरिवेशन भी मैंने भेज दिया है, तो अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो अब ये यूज कर लेना, इसका कभी यूज पड़ता नहीं है। इसका भी देखो जो डेरिवेशन है उसमें कैलकुलस बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो इसी वजह से मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया था। देखो
फर्स्ट ऑर्डर वाला सीधा यूज करने में दिक्कत ये थी, क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट ऑर्डर को लिखते हैं जैसे के टी इक्वल टू 2.303 आपका लॉग सी नॉट बाई सी टी, तो यहाँ पे जो के होता है वो फॉरवर्ड का रेट कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आ रहा है। तो अगर आप उस डेरिवेशन को ध्यान से देखो तो उस डेरिवेशन में देखो फॉरवर्ड के लिए क्या किया है माइनस के और बैकवर्ड के लिए प्लस के भी, और उन दोनों को मिला के सॉल्व किया है। तो देखो फॉर्मूला आपके पास मैंने भेज दिया है और आप उसमें वैल्यू रखो, मैंने देखो सॉल्व करके दिखा दी, ये इसका आंसर है एक्चुअली। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है इसमें? एक्चुअल में ये इक्विलिब्रियम पे ज्यादा कुछ आता नहीं, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला बताया नहीं था। एक्चुअल में मैंने भेज दिया फॉर्मूला, मेरे पास लिखा हुआ था, तो इसका कभी यूज पड़ता नहीं, कभी कुछ आता नहीं, इसलिए मैंने कभी बताया नहीं आपको, मतलब मैंने मैंने और इसी रीजन से नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 38 सब लोग देखो, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 38। ए से क्या बनता है? 2b + 3c। देखिए ए से क्या बनता है? 2b + 3c। तो देखो इसमें कहना यह चाह रहा है कि जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ये v2 लेना है टाइम टी पे, और जब टाइम इनफाइनाइट है तो वॉल्यूम को v3 लेना है। तो बताना रिएजेंट रिएक्ट्स विद ऑल ए बी सी, मतलब ठीक है इसमें इनिशियल तो नहीं बोला, इनिशियल तो शायद v1 होगा। एक बार मैं चेक कर लूं आंसर, v1 भी दिया है कि v1 नहीं लेना है कुछ, क्योंकि बाद में v2 v3 दिया है तो v1 भी होना चाहिए इसमें कुछ 38 में। ठीक है, v1 के टर्म में नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखो कैसे कर कैसे सकते, देखो समझते हैं। स्टार्टिंग में चलो इसको v ले लेते हैं, ठीक है, किसी टाइम इनफाइनाइट में, किसी टाइम इनफाइनाइट में ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बनेगा 2v, ये बनेगा 3v, तो फिर जो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 5v होगा, और यही दिया है v3, तो v का वैल्यू है v3/5। आया समझ में? अरे ये वॉल्यूम भी लिया, इनफाइनाइट टाइम में पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये बनेगा 2v, ये बनेगा 3v, और टोटल वॉल्यूम दोनों को मिला के 5v, ये इसकी वैल्यू। तो मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया है v3/5। अरे v का वैल्यू आया। अब टाइम t पे लेते हैं, इसमें से कुछ x माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा 3x। ठीक, यही होगा इसमें। तो क्या हो सकता है इसमें? v3 - 5 - x + 2x + 3x will be equal to v2, यही दिया हुआ है इसमें। तो 4x equal to क्या होगा? v2 - v3/5, या फिर x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 आपके पास, तो ये हो जाएगा 5v2 - v3, और ये नीचे आएगा 20। ठीक है, तो हम लोगों को k चाहिए। k देखो k क्या होता है, k तो मतलब रिएक्टेंट के लिए होता है, तो kt = 2.303 ये होगा log, और इनिशियल वाला v, अरे इनिशियली तो ये v रहता है, ये v, और बाद में क्या हो जाएगा? v - x। अरे यही तो होता है ना फॉर्मूला, ये बाद में v - x। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये होगा 2.303, ये होगा log, और v के जगह लिख सकते हैं v3/5, और नीचे फिर v की जगह क्या लिख सकते हैं? v3/5, और माइनस होगा 5v2 - v3/20। और इसमें अब क्या हो सकता है? और तो 2
2.303 और ये होगा log, ये होगा v3, ये इधर आएगा 4 हो जाएगा, 4v3 माइनस 5v2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस v3 हो जाएगा और ये 4 बचेगा तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला बनेगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनना है, kt इक्वल टू 2.303 log 4v3 अपॉन 5v3 माइनस 5v2। मेरे हिसाब से यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक, एकदम सही है। बस तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको बेसिक इसमें पता है तो आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इसमें। तो V3 का मतलब फाइनल वाला था वॉल्यूम, तो V3 का मतलब क्या था कि ये मतलब ये जितना होगा उसके डबल बनेगा ट्रिपल बनेगा, तो दोनों को मिला के मैंने V3 कर दिया और फिर ये सॉल्व किया, बस आ गया, ये समझ में आ ही रहा होगा। तो अब हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं, इसको ध्यान से समझो। अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन नहीं पढ़ा है, अब आपका आगे रिएक्शन आने वाला है। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म जो चैप्टर होता है, अगर आप कोई मतलब बोर्ड की किताब देखते हो लाइक एनसीईआरटी, तो उसमें ऐसा कोई चैप्टर नहीं दिया होता है। तो ये जो चैप्टर जो बनाया जाता है एक्चुअल में स्पेशली कोचिंग्स वालों, मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि सारे कोचिंग वाले पढ़ाते, कुछ कोचिंग वाले नहीं भी पढ़ाते, पर मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द जो मार्केट में बुक आती है जेई की या नीट का, दोनों का, उसमें ये चैप्टर अलग से दिया रहता है। ये जो चैप्टर है एक्चुअल में इस चैप्टर के जो रिएक्शन है, तो देखो पहली बात पढ़ने का तरीका है क्या है। अब देखो ऑर्गेनिक में हम लोगों ने बेसिक सब समझ लिया, हम लोगों ने जीओसी समझ लिया, आइसोमेरिज्म समझ लिया, अब सिर्फ रिएक्शन पढ़ना है। तो एक्चुअल में अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन की मैं बात करूं, अब रिएक्शन वाइज जहां पे हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये पहला चैप्टर होता है जो आपको सिलेबस में भी है टेस्ट में। फिर दूसरा चैप्टर जो होता है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक मतलब कि बेंजीन के रिएक्शंस पढ़े जाएंगे इसमें। फिर तीसरा चैप्टर जो होता है उसका नाम है एल्किल हैलाइड। देखो एल्किल हैलाइड का मतलब ये है कि कार्बन चेन में कोई हेलोजन जुड़ा होगा, ठीक है, जैसे CH3Cl, CH3CH2Br, तो कोई भी हैलोजन हो सकता है, ये चैप्टर का ऑर्डर होता है। फोर्थ चैप्टर का नाम जो होता है वो है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये होता है। फिर फिफ्थ जो होगा वो आपका होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगे हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये सारे चैप्टर करने एक्चुअल में। और सिक्स दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब कि वो सब ईस्टर और जो था ना अमाइड, वही सब, तो ये इसके अंदर आएंगे। और सबसे लास्ट में नाइट्रोजन वाले, सेवन होगा। नाइट्रोजन मतलब कि जैसे कि अमाइंस जो था या नाइट्रो था, अरे जैसे सीएन साइनाइड के रिएक्शंस, अमाइंस के रिएक्शंस या फिर मान लो नाइट्रो के रिएक्शंस, तो वो लास्ट में ये होगा। अब देखो है क्या एक्चुअल में कि इन दोनों चैप्टर में, किसमें, इन दोनों चैप्टर में काफी रिएक्शंस एक ही जैसे हैं। किसमें, किसमें, एल्किल हैलाइड में और एल्कोहल फिनॉल ईथर में काफी रिएक्शंस एक ही जैसे हैं। और उन रिएक्शन को करवाने के पीछे एक लॉजिक होता है, मतलब कि एक लॉजिक या फिर एक सिस्टम होता है जो हमको पता होना जरूरी है। तो इन दोनों चैप्टर के, इन दोनों के, किसके, एल्किल हैलाइड और एल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ रिएक्शंस को निकाल के चैप्टर बनाया गया है। तो बहुत से बुक में ये चैप्टर नहीं दिया रहता है, तो वो चैप्टर फिर कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्कोहल फिनॉल ईथर में और एल्किल हैलाइड में, जैसे एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका यूज बार बार होता रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनिक में बार बार यूज होने वाला है उसको हम लोग पहले से कर ले रहे हैं। रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है सारा। तो जैसे कोई रिएक्शन से जो बार बार आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
जो बार बार आने वाला है तो उसको हम लोग अलग से यहाँ पे अलग से करने वाले हैं। तो ये काम हमको करना है एक्चुअल में आपका इस चैप्टर में, रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो चैप्टर है वो एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल फिनॉल ईथर से मिला के बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा हो सकता है कभी कोई किताब देखे फिर बोले कि सर ऐसा कोई चैप्टर नहीं दिया, तो वो चैप्टर एक्चुअल में इन दोनों चैप्टर से मिलकर बना है। अगर अलग से नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है फिर एल्किल हैलाइड में, ठीक है। अब देखो समझते कि क्या क्या करना है इस चैप्टर में। सबसे पहली बात, जीओसी में इंटरमीडिएट को जरूर रिवाइज कर लेना, कटायन अनायन और फ्री रेडिकल के बारे में पूरा रिवीजन, मतलब पूरा रिवाइज होना जरूरी है। इस पूरे चैप्टर में उनका बहुत यूज पड़ेगा, स्पेशली कटायन का और अनायन का, तो उन दोनों के बारे में आपको सारी बातें पता होना जरूरी है। अब एक बच्चे में सर अटैक का कॉन्सेप्ट बताओ, बेटा मैं सब बता रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में वही करना है। तो देखो है क्या कि ऑर्गेनिक के बेसिस पे हम लोग रिएक्शंस को चार टाइप में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है। देखो रिएक्शन को डिवाइड करने का बहुत सा तरीका होता है, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में अलग तरीके से डिफाइन किया, थर्मोडायनेमिक्स में अलग किया, काइनेटिक्स में इवन अलग किया। तो हम लोग अब बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, आप रिएक्शंस को चार टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तो कौन कौन सा होता है टाइप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुरानी किसी बात को ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पे रिएक्शंस को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एडिशन रिएक्शन, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब ना कुछ अंदर ना कुछ बाहर, बस रीअरेंज हो गया, जिसको कई बार बोलते हैं आइसोमेरिज्म रिएक्शन। अरे आइसोमेरिज्म में भी क्या होता है, स्ट्रक्चर तो बदलता है। तो बस पहले बेसिक बातें समझ रहे कि क्या है क्या। तो अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है इसमें अगर आप कुछ ऐड कर देते हो, ठीक है, ऐड हो रहा है इसमें, तो ये अगर कुछ आपने ऐड कर दिया, सो दिस इज एडिशन रिएक्शन, कुछ ऐड होना। जब भी बोला जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या है, तो कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, बस मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि ये आपके पास कुछ यहाँ पे लगा ए, और यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने ए की जगह क्या कर दिया, लगा दिया बी को और ए बाहर निकल गया। तो अगर एक की जगह दूसरा आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेट करना है कुछ, कैसे क्या होगा वो आगे समझेंगे, पहले बस समझ रहे कि रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, कुछ बाहर निकल जाएगा तो आपके पास बन जाएगा ये, तो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट वाले का एग्जांपल, जैसे लास्ट वाला क्या है, रीअरेंजमेंट, मतलब कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो आपके पास है एक ब्यूटेन और हमने इसमें कोई स्पेशल रिएजेंट यूज किया और ये बन गया कुछ ऐसा। तो अगर आप देखोगे तो दोनों का सेम फॉर्मूला है, बस दोनों में रीअरेंजमेंट हुआ, ऊपर कहीं सेम फॉर्मूला नहीं है। ऊपर क्या हुआ, कहीं पे हमने ऐड किया था, ऊपर क्या था, हमने कहीं पे ऐड किया था, कहीं पे कुछ मतलब एक के जगह दूसरा लगाया था, कहीं कुछ रिप्लेस किया था, पर यहाँ पे सेम फॉर्मूला। तो लास्ट वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा, आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, आपका आपका ये जो स्ट्रक्चर है एक के जगह क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ये कहलाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये चार टाइप के रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग कई चीजों को समझेंगे कि सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, और इसके अलावा जो मतलब कि जैसे जो रिएक्शन में हम लोग करवाते हैं जो इंटरमीडिएट बनता है उसको बनने के बाद फिर कौन किस पे अटैक करता है, तो इसमें ये सारी बातें हम लोगों को करना होता है। तो देखो बेसिक सा इसमें इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ, बेसिक क्या है एक्चुअल में कि एक इसमें रिएक्टेंट होता है और इसमें फिर एक क्या होता है, एक रिएजेंट या फिर कोई अटैकिंग ग्रुप समझ लो, जिसको बच्चे ने बोला सर अटैकिंग,
जो उस पे अटैक करेगा, अटैकिंग ग्रुप मतलब कि ये वैसा है कि जिसको रिक्वायरमेंट है मतलब कुछ बॉन्ड फॉर्म करने की। देखो अटैक वही करता है जिसको रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड बनाने की। आप एक बात समझो, रियल लाइफ में भी नौकरी वही करता, काम वही करता है जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज कोई भी आदमी को काम करना ज्यादा पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे जिसको बॉन्ड बनाना है, जो अनस्टेबल है, तो वो अटैक करेगा। तो नॉर्मली अटैकिंग ग्रुप कोई ना कोई आपका अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा और फिर इस पे अटैक करेगा। अटैक करने पे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये खुद तो जुड़ जाएगा, किसी को निकाल देगा, और अगर एडिशन है तो वो फिर जाके जुड़ जाएगा। तो एक रिएक्टेंट होता है और उसमें फिर एक अटैकिंग ग्रुप होगा और उस पर अटैक करेगा, फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो फॉर्म होगा। अब बाकी क्या होने वाला क्या, वो तो टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। एडिशन में जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक की जगह दूसरा आ जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग ये जो चैप्टर करने वाले हैं, जहां पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और फोकस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो हमारा जो फोकस होगा वो इन दोनों पे होगा। हम लोग यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन होगा एक्चुअल में, उसके बारे में ज्यादा कुछ करेंगे नहीं एक्चुअल में, ठीक है। ठीक है बेटा, आप बना रहे नोट्स, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो देखो है क्या एक्चुअल में, जो अटैकिंग जो ग्रुप होता है, जैसे समझो, जैसे मान लो कि ये कटायन है, मान लो रिएक्टेंट पे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो अटैक करने वाला होगा वो नॉर्मली फिर नेगेटिव चार्ज वाला होगा। और अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो फिर यहाँ पे जो अटैक करने वाला होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो अटैक करने वाला जो ग्रुप होता है, इनका दो नाम होता है, एक तो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, और एक क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं भी आपको क्लास यहीं पे छोड़ रहा हूँ, हम लोग संडे को मिलते हैं, संडे को आफ्टरनून में, दिन में 3 बजे मिलते हैं, ठीक, आफ्टरनून में 3 बजे मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ लेक्चर्स भेज देता हूँ, उनको देख लो, और संडे को मिलते हैं, संडे को इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो संडे तक ये लेक्चर्स आप देख लो और हम लोग संडे को मिलते हैं, तो संडे को हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। संडे को दिन में 3 बजे मिलते हैं।